मेरा नाम आर्यन पाशा है, मैं अपने आप को एक ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करता हूँ। सो ट्रांसमैन बेसिकली वो होते हैं जो फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करते हैं, और मैं एक एनजीबीटी कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ। जब तक मेरा ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं हुआ था और मैं फीमेल बॉर्न हुआ था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करता था। मतलब ये जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो जीने का मन नहीं करता था। उसका एक पर्पस ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। जब आप मतलब अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए खुद ही, मतलब कि आप ऐसे क्यों पैदा हुए, क्योंकि आपके पास एक तो जिस टाइम पे मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था या कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसको मैं देख सकूं और अपनी सिचुएशन को, या जो उस टाइम वो सिनेरियो था कि भाई क्यों, क्या, किस लिए, कि उसके मेरे को जवाब मिल सके। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था, अगर सिर्फ फिजिकली ही नहीं, और हालांकि मेंटली मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता था, मतलब फोकस नहीं था बिल्कुल भी। और जहाँ मेरा ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, मतलब वो एक ड्रास्टिकली बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, क्योंकि मैं खुश था, ठीक है, अब मैं अपने एजुकेशन पे ध्यान दे पा रहा था, और मतलब मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा, जो स्कूल में होता है कि मतलब वो ग्राफ, मतलब कहाँ एक एवरेज स्टूडेंट से मैं एक टॉपर स्टूडेंट हो गया। और रही बात स्पोर्ट्स में, तो मतलब अब मैं खुल के वो चीज़ कर सकता था। पहले मेरे को फीमेल कैटेगरी में मैं स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग करता था, जहाँ मैं खुश नहीं था, वो छुप के करना और कि किसी को पता ना चल जाए। मेरी रेस जब भी होती थी तो मेरे कोच बाकी स्टूडेंट्स को एक रूम में बंद कर देते थे ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत इसके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट है और ये शायद उसके बाद स्केटिंग छोड़ देगा। तो एनी हाउ उस वे में मेरे कोच बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। बट जब भी आप रेस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि बाकी स्टूडेंट्स को या जो बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लोग चीयर अप कर रहे हैं, और वहीं पे मेरे ऊपर हर रेस के बाद जब मेरा एक मेडल आता था तो मेरे ऊपर एक प्रोटेस्ट होती थी कि भाई आप एक लड़के को लड़की की रेस में खिला रहे हो, तो वहाँ पे आपको उल्टा प्रूफ करना पड़ रहा था कि आप एक लड़की हो। तो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे को उस चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाए। और ट्रांजिशन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, और पहले वो एक ड्रीम था कि क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में देखते हैं कि बहुत मस्कुलर और ह्यूज जाइंट्स बोलूँगा वो आते हैं ऑन स्टेज, तो उन लोगों के साथ कम्पीट करना, तो मतलब वो बहुत दूर थॉट्स तक में भी नहीं था कि मेरा कि कभी मैं उस स्टेज तक पहुँच पाऊँगा। बट मैंने कंटिन्यूसली 5-6 ईयर्स ट्रेनिंग करने के बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ, शायद अब मुझे करना चाहिए। और जब मेरा फर्स्ट शो भी था तो वो ये नहीं था कि भाई मैं ऑन स्टेज की, मतलब सिर्फ मैं ट्रांस हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि तुम ट्रांस मैन हो और तुम पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे अपना बेस्ट देना था। मैंने कहा मैं एक साल वेट करके और ज़्यादा प्रेप की उस कॉम्पिटिशन के लिए, और फिर मैं ऑन स्टेज गया था। सर्जरी मतलब मेरी बहुत लगता है बहुत स्मूथ सर्जरी रही है, ठीक है, वो थोड़ा पेन होता है, वो तो कोई भी आप ऑपरेशन कराओ तो, बट दैट्स अ टेम्पररी थिंग कि वो कुछ महीना, एक महीना, दो महीना, फिर आप रिकवर कर जाते हो। बट जो मेरे को रिलीफ मिला है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जहाँ मैं हमेशा दुखी रहता था या डिप्रेस रहता था, एक एंजाइटी रहती थी कि भाई क्यों, किस लिए, ऐसा करके, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो आई डोंट थिंक सो कि सर्जरी कुछ भी डिफ़िकल्ट रही है और वो जस्ट एक ट्रांजिशन का एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है कि सर्जरी करा के आप अपनी लाइफ जी रहे हो। बट एज अ मैन आप अपने आप को कैसे मॉडिफाई करते हो, कैसे, जो बहुत सारे मतलब हमारी सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है कि आप उसको कैसे अवॉइड करके उन चीज़ों से आप अट्रैक्ट ना हो, बट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप कैसे आगे बढ़ सकते हो और कैसे आप सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा कर सकते हो। कोई भी बॉडी बिल्डर हो वो अपने प्रेप पे जाता है, और कोई भी एक अच्छा शो खेलने के लिए जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो 1-2 साल तक तैयारी करते हैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए वो स्टेज पे जाने के लिए, अपने मसल्स को दिखाने के लिए, अपना जो भी उनको जिस तरीके से प्रेजेंट करना है। बट वो 2 साल की मेहनत होती है कि आपको रेगुलरली एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना है, और आप बिल्कुल भी मतलब सोशलाइज नहीं करते हो लोगों से, मतलब आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाके सिर्फ आपको फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना होता है अपनी ट्रेनिंग को लेके, अपने गोल को लेके। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग स्पेशली सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छूट जाता है कि आप अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स के साथ और या रिलेटिव्स में कोई भी वेडिंग है या कोई भी फंक्शन है वो आप अटेंड नहीं करते हो। आपके लिए मैटर करता है कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप अपने प्रॉपर मील्स टाइम पे ले रहे हो और प्रॉपर रेस्ट। तो ये 3 चीज़ें, और मतलब इससे मैंने बल्कि बॉडी बिल्डिंग से ये चीज़ सीखी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको अपनी जनरल लाइफ में भी अप्लाई करें
तो आप अपने गोल को, चाहे वो कोई भी गोल हो, आप उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर भी सेंसिटाइज हो रहे हैं ट्रांस इश्यूज को लेके, बट अगर मैं नालसा जजमेंट से पहले की बात करूँ 2014 से पहले की, तो उस टाइम पे स्पेशली ट्रांस वुमेन के साथ ये इतना ज़्यादा मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अगर वो बीमार हैं तो मतलब उनको, मतलब डॉक्टर्स डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उन्हें किस वार्ड में शिफ्ट करें, कि मेल में करें या फीमेल में करें, और कितने लोगों की इस चक्कर में जान भी गई है। और अभी भी ऐसा है कि मतलब कोई भी ट्रांस पर्सन अगर बीमार होता है, क्योंकि उन जिन लोगों की सर्जरीज नहीं हुई है स्पेशली, वो खुद अपने आप को इतना डिसकम्फर्ट फील करते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है उनकी तरफ से। और जब वो कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है, तब वो हिम्मत करके, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर कई बार डॉक्टर्स अभी भी डिनाई कर देते हैं, मतलब आई थिंक वो अपनी जॉब भूल जाते हैं कि भाई एज अ डॉक्टर क्या मेल क्या फीमेल वो मैटर नहीं करता है, आपको उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है और उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट देना ही उनकी ड्यूटी है। बहुत चीज़ें वर्स्ट हुई हैं, मे बी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे मिलता तो वो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती। चाहे कोई जनरल फिजिशियन हो, या मैंने साइकाइट्रिस्ट का भी देखा है कि कोई काउंसलिंग के लिए गया है, तो मतलब आप बोल देना उनको कि ये अननेचुरल है और हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, कि तो मतलब उससे वो इंसान और ज़्यादा मतलब वर्स सिचुएशन में चला जाता है। तो उसको लगता है कि यार मेरे को लगा था शायद मेरे को डॉक्टर के पास जाके कुछ एक रिलीफ मिलेगा, वो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। पेरेंट्स साथ में ले जाते हैं, वो उनको अगर कोई ट्रांसमैन है तो उसको ईस्ट्रोजन देना स्टार्ट कर देते हैं जो कि उसको नहीं चाहिए, या उनको स्लीपिंग पिल्स देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनका पूरा लाइफ का जो भी लाइफस्टाइल का पैटर्न है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि जिन्होंने बहुत अर्ली एज में कम आउट करने की कोशिश की और पेरेंट्स ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तो वो बच्चे ड्रग्स में भी गए, ठीक है, उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, मतलब उस बच्चे का फ्यूचर, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है, और आज के टाइम पे उस मतलब उसने 12th भी नहीं करी है, और आपने अपने बच्चे की लाइफ खुद से ही ख़राब कर दी। तो इसमें कसूर मतलब दोनों का ही है, मैं बोलूँगा कि एक तो फैमिली ने भी कोशिश नहीं करी हेल्प करने के लिए, और डॉक्टर को जहाँ पता था कि वो ट्रांस पर्सन है तो वो भी पेरेंट्स के बोलने पे उन्हीं के तरीके से उसको लेने लगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। मेरा ये मैसेज पूरी LGBT कम्युनिटी को है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अलाइज होने ज़रूरी है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, वो आपके काम से आपको मिलेंगे, ना कि आपकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, ना आपके जेंडर के बेसिस पे। आप समाज में खुद से एज अ इंडिविजुअल कैसे इंसान हो वो मैटर करता है, और अभी की जो जनरेशन है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। बट बात यही है कि सिर्फ आप अपनी सेक्सुअलिटी और जेंडर को लेके नहीं रो सकते हो, आप अपनी जेंडर या सेक्सुअलिटी को लेके मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और एक्सेप्टेंस खुद से आएगी जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ना कि एक्सेप्टेंस दूसरों से चाहोगे। सो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली चीज़ें होती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे लोग हैं समाज में जो आपको खुल के, हाथ खोल के एक्सेप्ट करेंगे।